हल्का सा डेमो था, ब्लॉग पे बने रहे, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे गढ़वाली डांस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं नैनीताल हल्द्वानी में गई हूँ एक मैरिज अटेंड करने के लिए, और ये आंटी ने मेरा दिल जीत लिया, तो इनको तो मैंने पूरा शूट किया। आगे देखिएगा, मुझे पता है मुझे बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आने वाले हैं, लेकिन म्यूज़िक के बिना डांस का मज़ा नहीं होता, तो देखते रहें एंड तक देखें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड मामा रॉक्स। और यहाँ पे मामा रॉक्स है आज क्योंकि होता है ना, घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा बाहर होते हैं, चाहे बहुत थके होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग फील होता है। तो हम हैं घर से बाहर, हम लोग आए हैं हल्द्वानी। तो पिछले कल हम पहुँच गए थे, हम 13-14 घंटे का हमें सफ़र लगा, फिर हम पहुँचे, फिर ऐसी थकावट सी थी। फिर इनके फ्रेंड की भाई की शादी है तो वहाँ पे थे, उनकी शादी हो चुकी है, आज रात को उनका रिसेप्शन है और सुबह 11-12 बजे का टाइम है। हम बहुत थक गए थे इसलिए सुबह हम लेट उठे, तकरीबन 10 बजे। मैंने ये सिंपल सा सूट डाला है कॉटन का, क्योंकि इधर भी गर्मी है और मैं नया नया भाभी से सिला के लाई थी। आप बताइए कि कैसा लगा है? जस्ट 300 इसकी स्टिचिंग है, जस्ट 300। बहुत अच्छी सी फीलिंग आई मुझे इसे डाल के, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू किया जाए। अब मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, हम बाहर जाएंगे पहले तो हम नाश्ता करेंगे। पता नहीं अब उनके घर जाना है, रात को वो कह रहे थे शाम 3 बजे से फंक्शन है, तो मैं अपने साथ ना सूट नहीं लेके आई, जस्ट ये एक नया सूट भाभी ने सिला था तो वो लेके आई, और बाकी मैं सारी पैंट लेके आई हूँ यहाँ रिसेप्शन पे डालने के लिए, एक साड़ी और एक सूट था। और मिस्टर बहल अब कह रहे हैं कि वो सारे थोड़ा रिचुअल से रीजनल से लोग हैं, तो दे से मुझे भी खुद को लगा कि नहीं वहाँ पर पैंट अच्छी नहीं लगती ऐसी शादी में, तो पैंट सो मैं इसलिए लेके आई थी एक बाहर आउटिंग के लिए। तो देखते हैं कैसा जाता है, सूट की कमी मेरे को पड़ रही है आज, एक आध सिंपल सूट और होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो पीछे का मैस भी मुझे, अभी हम होटल में रुके हुए हैं और हृथ्वी और हृथ्वी के पापा नीचे गाड़ी से कुछ लेने गए हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, फटाफट से स्किन केयर करती हूँ और आपको हल्का सा आपके साथ मेकअप भी शेयर करूंगी मैं, क्योंकि मेरे ना थोड़ी थोड़ी छाइयाँ दिख रही हैं, तो कल सफ़र किया तो मुंह डल हो गया, तो मैं सोचूँ थोड़ा सा BB CC क्रीम कुछ छोटी सी लगा के ना फेस को थोड़ा सा ग्लोइंग करती हूँ, देखती हूँ। लाइट कम है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने टोनर लिया है और ये देखने को गुड वाइब्स रोजिप टोनर है, लेकिन इसमें मैंने लोकल आयुर का पेपर मिंट वाला टोनर डाला है, क्योंकि गर्मियों में मुझे वही अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ना स्प्रे नहीं थी, आंख में चला गया। ये प्लम का मॉइस्चराइजर गर्मियों के लिए, यही मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए बढ़िया है, ये ना खत्म होने वाला है। ये मॉइस्चराइजर ना स्किन पे लगा के फील ही नहीं होता बिल्कुल भी, इतना लाइटन अप लगता ही नहीं है आपने कुछ लगाया है। उसके बाद 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम द डर्मा स्पेशली फॉर पिगमेंटेशन, प्राइमर परफेक्ट बैलेंस स्मूदिंग हाइड्रेटिंग मेकअप बेस ऑयल फ्री कलर्स क्वीन। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा सनस्क्रीन रह गया था, तो प्राइमर से पहले ही वैसे तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ लेकिन मुझे भूल गया था, बट कोई बात नहीं। इसके बाद मैं सीसी क्रीम लगाने वाली हूँ विद मैट, जिसमें प्राइमर था तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों की ये डिमांड थी कि मैं बाहर कैसे मेकअप करती हूँ आपके साथ शेयर करें, तो मैं बाहर कभी भी BB CC क्रीम कोई मेकअप नहीं करती, ये मुझे फंक्शन अटेंड करना था छोटू सा तो इसलिए मैंने किया था। अब मेरे पिगमेंटेशन है तो हल्की हल्की हैं, चाहे डार्क हैं तो बाहर तो हो ही जाती हैं, तो मैंने सोचा आज इनको कवर करूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस कलर का पीच ऑरेंज कलर का जो है वो कलर करेक्टर यूज़ किया, और मैं कोई भी स्पॉन्ज कुछ भी अपने साथ ब्रश नहीं लेके आई थी, मैं जस्ट सारा मेकअप हल्का हल्का हाथों से करूँगी, वही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह से मैंने डैप डैप करके थोड़ा सा क्रीम जैसे हम लगाते हैं उस तरह से मैंने अपना जो कलर करेक्टर है उसको लगा लिया। और मेकअप करते टाइम आपने हमेशा ध्यान देना है, हर प्रोडक्ट लगाने के बाद कम से कम आधा मिनट का गैप हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छा खिल के आता है, हर प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होता है।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है फेसेस कनाडा की सीसी क्रीम, ये कलर करेक्टर क्रीम होती है। हाँ, आपने बीबी सीसी क्रीम का डिफरेंस पूछा था तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सीसी क्रीम ली है, इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है, स्पेशली डे टाइम में अगर आप कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, वैसे तो ये कवरेज पूरी देती है। और मुझे फाउंडेशन से ज़्यादा बीबी सीसी क्रीम्स अच्छी लगती हैं, तो इसे लगा के मैंने पहले डैप डैप किया और फिर हल्की फिंगर से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्की फिंगर से मैंने आपको गिफ्ट जो किया है कर था लेना लास्ट है। करवा चौथ से पहले, 1.5-2 साल हो गए हैं। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है जो ऐसे बाहर को खड़ी होती हैं, लेकिन ये चुभता नहीं है। मैंने कभी बोला नहीं उसको, क्योंकि बच्चा लाया है तो थे वो इतनी दूर से, आज पहली बार डालूंगी। तो उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लशर भी यूज़ किया, मैं सिर्फ यही ब्रश लेके आई थी। पहले मैंने इसको साफ़ किया किसी कपड़े के साथ, क्योंकि मैंने धोया नहीं हुआ था। तो आप इस तरह से बाद में बाजू पे चला के, किसी भी स्किन पार्ट पे चला के देख सकते हैं, अगर वो कलर छोड़ता है तो वो साफ़ नहीं है। मैंने हल्का सा पिंकी स्टोन लेके बस हल्का सा मेकअप देने की कोशिश की थी, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी मेकअप फिक्सर स्प्रे, ये आपके मेकअप को हाइड्रेटिंग रखती है, ग्लोइंग बना के रखती है और मेकअप को फिक्स करके रखती है। मेकअप का जो 50% ग्लो होता है ना, वो इस स्प्रे से ही गाइज आ जाता है। तो वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करते करें और एंड तक बने रहें, स्पेशली हम पंजाबी लोग। आपको मैं आज उत्तराखंड के रीति रिवाज थोड़े से दिखाने वाली हूँ, वहाँ का लेडी संगीत दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे हेयर सेट कभी नहीं होते, मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं ना, बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो कभी भी सेट नहीं आते और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। स्विस ब्यूटी फायर पिंक 5 नंबर, एंड ये लिपस्टिक हमारी शॉप पे 120 की मिलती है। मार्केट में इसका अलग अलग प्राइस है। इसका जो प्रिंट रेट है ना, वो 200 के आसपास होगा। ओरिजिनल है ये, दैट इज़ नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक, और सुबह लगा लो रात तक फ्री रहो गया। इस तरह की लिपस्टिक है ये। बारी आती है हल्के से काजल की, क्योंकि मैं आई मेकअप कभी भी नहीं करती। अगर मैं कर लूँ तो एक तो भयंकर दिखती हूँ, क्योंकि मेरी हुडेड आईज हैं, और दूसरा मेरी आंखों में बहुत सेंसिटिव है, पानी आ जाता है। तो मेरा तो सिर्फ एक लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, वही चलता है। बिंदी लगाती हूँ ना तब मुझे संतुष्टि आती है, मेरा चेहरा मुझे लगता है तभी खिलता है जब इसके ऊपर बिंदी अच्छे से खिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा ड्राई सिंदूर, सिंदूर के बिना मुझे नहीं चलता, चाहे वेस्टर्न ड्रेस हो चाहे इंडियन ड्रेस हो, मुझे सिंदूर लगाना ही लगाना है। और मुझे यही सिंदूर लगाना है, चाहे मैं सफ़र में हूँ तब भी मुझे यही सिंदूर चाहिए। और ये देखिए, ये मुझे बस मज़ा आ जाता है जब मैं सिंदूर लगाती हूँ ना। उसके बाद तो मैंने पूरी मांग भर ली थी, क्योंकि मेरे हेयर सेट नहीं आ रहे थे, तो मिस्टर भैल कहते सेंटर पार्टीशन कर ले, उनको अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर उठते हैं तो उठा लिए। लेडी संगीत बहुत अच्छा था गाइज, इनके यहाँ ना लेडी संगीत जो है वो शादी के बाद होता है, बोलते हैं शादी पे तो इतने लोग नहीं आती है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, शादी पे इतने लोग नहीं आते, ज़्यादा जो है वो लेडी संगीत पे आते हैं, या फिर गाइज उसके बाद जो रात को ये रिसेप्शन होती है ना उस पे। तो चुन्नियाँ मेरे पास पुरानी ही थी, देखिए ये सिंपल सा सूट है, सिर्फ 500 रुपये में मैंने ये सूट का कपड़ा लिया था, 5 मीटर 500 में, 100 रुपये मीटर, और 300 रुपया इसकी सिलाई गई है, 800 में मेरा सूट बन गया। और ये मेरे पास बनारसी चुन्नी में साथ ले आई थी, ये एक रिच लुक इस सूट को दे रही थी, तो मिस्टर बहल ने इसको अप्रूव किया। पहले मैं क्योंकि कंफ्यूज थी कि कौन सी चुन्नी लूँ, हल्की लूँ भारी लूँ, तो क्योंकि फंक्शन के लिए मैं साड़ी और एक हैवी सूट लेके आई थी, लेकिन साड़ी सब लोगों ने डाली हुई थी, तो मैंने सोचा जो मैं हैवी सूट लेके आई हूँ वो रात को डाल लूँगी। तो अभी हमारा होटल से चेकआउट हो गया था, हम रात को होटल में रहे थे, भैया ने खुद ही बुक करके दिया था, क्योंकि होता है ना फिर अपने गेस्ट आए होते हैं तो उनको ये था, बहुत दूर से आए हो, आपके लिए नींद ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, दैट्स वाई। और वैसे भी हम जब भी बाहर आते हैं ना, तो हरित्वी को ज़्यादातर इन्जॉयमेंट उसके होटल की होती है, कि रूम्स अच्छे होने चाहिए, हाई प्रोफाइल होटल होना चाहिए, फिर कभी हम इतना बाहर भी नहीं आते। इसी महीने हुआ है कि हम 2 बार बाहर आ गए हैं, एक बार मनाली गए और एक बार नैनीताल आ गए। नैनीताल का तो सपने में भी नहीं सोचा था, मनाली का ट्रिप भी ऐसे ही बन गया था और नैनीताल का भी ट्रिप, ये वकेशन वाला पूरा हमारा जो है वो महीना रहा, मज़ा आया। और नैनीताल हरिद्वार, क्या था यार, हल्द्वानी, हल्द्वानी का ट्रिप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, शादी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय की, और मुझे मेकअप जो था वो बहुत खिल के आया, मेरी मांग, मुझे अपना आप बहुत प्यारा सा लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी छूट गई थी घर पे, मैचिंग ईयर रिंग्स, गोल्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आई थी कि बाहर किस तरह से संभालूंगी, दैट्स वाई।
और उसके बाद हम निकल गए थोड़ा सा नैनीताल की ओर, पूरा नहीं गए थे, आधे में भैया लेके गए थे। अभी फंक्शन को टाइम था, वो बोल रहे थे 2:30 बजे लेडी संगीत शुरू होगा, भाभी 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप घूमने आए हो इतनी दूर तो ज़रूर घूमो। वैसे तो हम शादी के लिए गए थे, लेकिन उन्हें हमें समझाया कि इतनी दूर आए हो, इतना पैसा खर्च करके आए हो, ट्रैवल करके आए हो, तो क्या फ़ायदा अगर यहाँ की आपने लोकल छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी। लेकिन गाइस ये देखिए, ये इतना भयंकर छोटी सी पगडंडी थी, पहाड़ियों में से लेते हुए हमें चले गए, और हरिथ्वी का तो पूरा एडवेंचर हो गया। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे स्लीपर्स दूसरे थे, और बहुत डर डर के मैं चल रही थी। एक तो धूप इतनी थी, एक झाड़ियाँ, जंगल, और मेरी माँ को पता है, मेरी माँ देखेगी ना ये ब्लॉग, तो ये पूरा एडवेंचरस चीज़ रही। और इतनी डूंगी खाई थी ना, डर लग रहा था कि एक स्लिप गया ना तो मैं गई। ये देखिए इतना डूंगी डूंगी जो थी ना वो सामान थी। और भैया तो हरिथ्वी को लेके पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने तो इतनी स्पीड पकड़ी हुई थी ना हरिथ्वी को कंधे पे बिठा के। और मैं मतलब इट वाज फुली इंजॉयड यार, मैंने पहली बार ज़िंदगी में इस तरह से इंजॉय किया। पहले भी थोड़ा बाहर जाते थे लेकिन इस तरह से कभी नहीं गए और इस तरह से इंजॉय कभी नहीं किया। ये फर्स्ट ट्रिप था जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक तो उनका कल्चर देखने में मज़ा आ रहा है, एक तो हमारी मेहमान नवाजी उन्होंने इतने अच्छे से की, इतना प्यार से की, इतनी इज्जत मान दिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ऊपर से मेरा सूट यार ये बहुत खिल के आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 800 रुपये में ऐसा लुक दे रहा था ना कि पता नहीं कहाँ से लिया गया हो। तो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, तो कईयों ने पूछा, दीदी साइट बताएं साइट बताएं, तो साइट वाइट कुछ नहीं यार, मैंने लोकल मार्केट से ये कपड़ा लिया था। ऐसे ही शॉपिंग पर चली गई थी मैं अपनी भाभी के साथ, मेरी भाभी हैं वो टेलरिंग का काम करती हैं, उनके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेती हूँ, पर बहुत अच्छा मिल गया। और ये फाइनली 10-15 मिनट की पहाड़ियाँ उतर चढ़ के ये एडवेंचरस पॉइंट भैया लेके गए यहाँ पे। बहुत मज़ा आया हरिथ्वी को, लोकल फ्रूट हमने खाए वहाँ पे झाड़ियों में जो होते हैं। और ये देखिए मैं तो एक साइड पे आराम से बैठ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी, ऊपर नीचे होके इतनी थकावट हो गई थी, तो आगे मेरे जाने का कुछ रास्ता भी नहीं बन रहा था। जो था ना वो पूरा झरने तक जाने का कुछ सलीका नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे स्लिपर फिसली थे, तो मैं फिसलती तो पूरा पानी में गिरती क्योंकि पानी नीचे तक बहुत गहरा था। लेकिन इन्होंने बाप बेटी ने खूब इंजॉय किया, इसको तो पूरा एडवेंचर जो था ना वो मिल चुका था, लेकिन मेरी बस हो चुकी थी, मेरा गला सूख चुका था, ऊपर नीचे हाय राम, बहुत बस हो गई थी। और बस मज़ा आया, बट फिर हम पहुँचे लेडी संगीत, लेडी संगीत इंजॉय किया यार, इतना अच्छा सा। वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी, मुझे लगा कोई कहना दे कि क्यों, क्योंकि हम अनजान थे और मेरा लुक सबसे अलग था, सबको पता था पंजाब से आई है, हर कोई देख रहा था। मैंने ये वीडियो शूट किया, ये देखिए आंटी ने कितना बड़ा नथ डाला हुआ है ना, ऐसे नथ वहाँ पे सबने डाले हुए थे, अपने मुँह से भी बड़े हुए। और ये तो लेडी ने बहुत ही प्यारा सा डांस किया, हर एक लेडी इतना प्यारा डांस कर रही थी ना, हर एक बंदी। Thank you.
हाँ असी उत्तराखंड हल्द्वानी तो इस टाइम हल्द्वानी में हैं हम, टीका लगा हुआ है क्योंकि हम एक फंक्शन अटेंड करके आए हैं। म्यूजिक क्या आप, अच्छा नहीं लग रहा। बाद में उतारेंगे, ऐसे नहीं तिलक नहीं उतारते। तो ना हम लोग, उनका संगीत था, लेडी संगीत था, शादी उनकी हो चुकी है परसों की, आज उनका लेडी संगीत है, अभी चल रहा था, मतलब थोड़ा ही रह गया, हम सारा देख के ही आए हैं ऑलमोस्ट। आज हम थोड़ा सा इसी पास ही घूमने गए थे, एक झरना देखने गए थे पहाड़ों के बीच में। हाँ लेकिन मेरी लेग्स दुखने लग गई। वही मैंने ऑरेंज खाया वहाँ पे। ऑरेंज खाया? ऑरेंज नहीं था, पता नहीं क्या था, छोटे से गोले से। अच्छा तो इसको तो भैया उठा के ले गए थे, जो ऋतिक के पापा के फ्रेंड, जहाँ हम आए हुए हैं ना। लेकिन मेरा चढ़ उतर के पहाड़ी, इतनी चढ़ी फिर उतरी फिर चढ़ी फिर उतरी, बुरा हाल हो गया। और मैं संगीत में ऐसे बैठी थी ना, ऐसे बैठी हुई थी संगीत में जैसे ना मेरे को जबरदस्ती बिठाया होता है। लेकिन मजा आया। वहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस हो रही थी, हर लेडी मैक्सिमम उनके रिलेटिव्स में से ना हर लेडी, चाहे वो एज है, परफॉर्म कर रहे थे और हर कोई बहुत बढ़िया कर रहा था। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। बाहर आवाज आ रही है मेरे को लग रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, शीशे ऋतिक अपा खुले छोड़ गए। न्यू सॉन्ग कलेक्शन थी, ओल्ड सॉन्ग कलेक्शन थी, सारी बहुत अच्छी थी। एक मैंने वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं शूट की, मैंने कहा कोई मुझे बोली ना देखी, आग लगी हुई है ना, अच्छा नहीं लगता बाहर आके। लेकिन एक मैंने किया, एक दो किए, एक मैंने की खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, आंटी ने मज़ा आ गया, इतना अच्छा किया ना आंटी ने डांस। तो अभी यहाँ हम रुके हैं रोड पे, हम होटल में जा रहे हैं ताकि थोड़ी रेस्ट हो जाए, रात को रिसेप्शन है उसके लिए। ऋत्वी के पापा गए हैं चाय लेने, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था खाने पीने को लेकिन चाय नहीं थी, तो मुझे तोड़ लगी है चाय वाली, तो वो चाय लेने गए हैं। नहीं तो चाय आ गई,